2 मिनट और सफलता के लिए, सक्सेस के लिए, और 1 वर्ष में या 2 वर्ष में और 5 वर्ष में या 10 वर्ष नहीं, ठीक है? तो कोई भी किसी एक व्यक्ति को सफल होना है, सबसे पहला काम करें कि वो 10 ईयर के प्रश्न को हल करें। करीब करीब हिंदी में, हिंदी में 95% रिपीट करें। एक आध 2% नहीं, कितना परसेंट? अगर 10 साल का सवाल कर लीजिए, मतलब कहने का कि 2000 से लेकर के अगर 2022 तक के प्रश्न कोई कर लेता हो, तो 2023 में कोई नया प्रश्न नहीं है। नया प्रश्न मुश्किल से 1-2%, 99% रिपीटेड। क्लियर हुआ? तो कितना आसान है आईएएस का एग्जाम? नहीं आसान है, वो भी 1-2% की संभावना है। 100% रिपीटेड, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो पहले न पूछा गया, ठीक है? हम 1-2% रिस्क कवर करके बोल रहे हैं कि हो सकता है, वरना सही क्या है कि 100% रिपीट होता है। अब ये हमारे कहने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं क्वेश्चन पे जाइए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। 20-22 साल का सवाल एक तरफ रखिए, जैसे महाभोज एक चैप्टर उठाइए कि महाभोज में 22 साल में क्या पूछा गया, तो आपको आश्चर्य होगा कि मुश्किल से 1 या 2 प्रश्न ही 22 साल में पूछे गए हैं, और वही प्रश्न बार बार रिपीट कर रहे हैं, व्याख्याएं तक रिपीट हो जाती हैं, मतलब आगे जा करके। हाँ, तो उसी के लिए तो हमने रिस्क लेने के लिए 1-2% बोला है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता हिंदी में कि 5% भी चेंज कर सकता हूं किसी भी परिस्थिति में। क्लियर हुआ? तो हिंदी कितना आसान है। तो जिसको 1-2 साल में करना है, वो 10-12 साल के प्रश्नों को क्या कर जाए, लिख। अब जिसको 5 वर्ष में करना हो, तो वो भी क्या करे, थोड़ा सा डरना शुरू कर दे और थोड़ा खोजी प्रवृत्ति का हो जाए। वो क्या हो जाएगा, या तो डरना शुरू करेगा या तो खोजी प्रवृत्ति का हो जाएगा। खोजी प्रवृत्ति का मतलब है कि कोचिंग उसको क्या करना शुरू करेगा, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हाँ, नया देना शुरू करेंगे। क्यों नया देना शुरू करेंगे? क्योंकि आप स्वयं खोजी प्रवृत्ति के, ठीक है? तो आपको तरह तरह के सवाल वो देंगे, ठीक है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। ये क्या करेंगे, कुछ इसमें भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो और खोजी प्रवृत्ति के होंगे, है ना? कुछ बच्चे क्या होते हैं, खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि उनको हो सकता है कि गर्लफ्रेंड को बताना नहीं, जमाना हो कि देखो हम कितना जानते हैं, ऐसा होता है। वो 10 साल तक लगे रहते हैं, वो नए नए और प्रश्न खोजेंगे, है ना? क्योंकि उनको क्या होता है, अपना प्रभाव, वो पढ़ने के लिए नहीं आए, तो किस लिए आए हैं, अपना प्रभाव जमाने के लिए। और ऐसे लोग कभी सवाल नहीं देखते, प्रश्न जो है विगत वर्षों का, मतलब अगर 20 वर्ष का प्रश्न कहा जाए, वो कभी नहीं देखते, वो 1-2 सालों के प्रश्नों पर केवल टीका टिप्पणी करते रहते हैं, ठीक है? यानी एक ऐसी स्थिति है सिविल सेवा में, वो बच्चा क्वेश्चन ही नहीं देखता अपने विगत सालों का। क्वेश्चन बैंक जो मिलता है उसमें से, अच्छा, एक दो और कमियां क्या होती हैं, जैसे हमने कहा कि 98% रिपीट करते हैं सवाल। आप लिखते कितना है एग्जाम में, कितना लिखते हैं, क्वेश्चन कितने रहते हैं? पहला सवाल में 5, दूसरा में 3, कितने सवाल हो गए, कितने प्रश्न हो गए, हम हिंदी की बात कर रहे हैं, कितने सवाल हो कुल प्रश्न,
लिखना कितना है बताइए। 19। ये लिखना है, ये लिखना है, दो तो अनिवार्य है अगर क्वेश्चन देखा हो। टोटल 19 लिखना है। क्वेश्चन पेपर में रहते कितने हैं, कितना परसेंट हुआ बताइए, कितना परसेंट हुआ? क्यों, फिर 50 से कम कैसे, 50 से कम कैसे हुआ? 28 में से 19 लिखना है। 14 होता तब तो 50% होता। रिपीट कितना कर रहा है, 65%। लेकिन जो खोजी प्रवृत्ति के होते हैं वो 2% में लगे रहते हैं। असफलता का राज समझ गए, वो किसमें लगे रहते हैं? अच्छा ये पूछा गया था, वो 2% छोड़ भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि एग्जाम में लिखना कितना है, कितना लिखना है बताइए। 28 प्रश्नों में 19 ही तो लिखना है। नहीं, अगर वो 2% आ भी गया तो मुश्किल से 10 अंक का सवाल आता है। तो अगर हम 250 में 240 अंक का लिख लेते हैं अच्छे से, और 10 अंक का एक आध बगैर अच्छे के भी लिख लेंगे, तब भी कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है? तो आखिर बच्चे क्यों नहीं पास करते, क्यों नहीं करते होंगे? इतना आसान है तो क्यों नहीं करते होंगे बताइए, कि नहीं है इतना आसान? देख रहे हैं कितना आसान है। हम कह रहे हैं कि 98% रिपीट करते हैं सवाल, और मेरे कहने का कोई मतलब नहीं। आप स्वयं क्वेश्चन बैंक पे एक दिन पूरा समय 4-5 घंटा लगाइए, कोई एक टॉपिक उठाइए, गोदान उठाया, कबीर उठाया, सूरदास उठाया, देखेंगे कि 98% सवाल तो सेम है। ठीक है, तब भी बच्चे नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ क्या होता है, क्या दिक्कत होता है? सफलता दर कम है। क्यों? उसके पीछे कुछ कारण है, जैसे मूल किताब नहीं पढ़ना। पहला सबसे बड़ा रीजन क्या है? जैसे ये मूल किताब प्रेम मंजूषा आपको पढ़ना पड़ेगा, गोदान मूल किताब है, पढ़ना पड़ेगा। नहीं, बच्चे वो पढ़ते ही नहीं। नहीं, वो क्या कहते हैं, अच्छा इस पर मूवी देख लेते हैं। नहीं, गोदान की मूवी देख लेते हैं, है कि नहीं? जैसे मान लिया कि मूल किताब गोदान, बच्चे क्या करते हैं, इस पर कोई मूवी है, कोई रंगमंच पर खेला गया है, तो उसको क्या कर लेते, क्योंकि देखना इनको क्या है, आसान लगता है, ये देख लेते हैं, ये आसान है। और ये गोदान जब देखते हैं तो मुश्किल से वो 20% समझ पाते हैं, इससे ज्यादा वो समझ ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो कट पेस्ट रहता है, वो एक औसत रूप से उनको केवल एक आइडिया रहता है, उससे ज्यादा वो लिख नहीं पाएंगे सवाल। ठीक है, वैसे ही जीएस में भी वही करते हैं। जैसे जीएस में हमने भी कई बार बोला कि मान लिया आपको इतिहास पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, एंशियंट पढ़ना है, या फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है। फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है तो बच्चे क्या पढ़ते हैं, नोट्स, यही पढ़ते हैं कि नहीं? वो नहीं पढ़ेंगे बिपिन चंद्र, पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ेंगे सुमित सरकार, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ते? वो नहीं पढ़ते झांसी रुमाली, सब किताबें हैं ना, वो नहीं पढ़ते एल भाषण, नहीं पढ़ते, ये मूल किताबें। बच्चे क्या पढ़ते हैं और ये क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते? टीचर क्यों बताते हैं, टीचर क्यों बताते हैं? क्योंकि ये पढ़ेंगे तो आप टीचर से सवाल करेंगे, पढ़ेंगे तो मूल बात जानेंगे, तो 1-2% लोग जो इंटेलिजेंट होंगे वो पढ़ के सवाल करेंगे, है ना? तो अंदर थोड़ी गहराई कम है, वो लगे किस पे रहेंगे, ये नोट्स पर, नोट्स से। यार सब हमने लिख दिया है नोट्स में, यही कहते हैं, सब हमने क्या लिख दिया है, नोट्स में लिख दिया है, बच्चे उसी में लग रहते हैं। तो बच्चे क्यों उसी में लग रहते हैं, जो उनको भी नहीं पास करना करना है भाई, उनको स्विम। अगर ये तो कॉमन सी बात है कि किताब पढ़नी है, बचपन से क्या देखा है आपने, मूल किताब, कभी तो नोट्स नहीं पढ़े, 10वीं तक पढ़े, अपना नोट्स स्विम बनाए,
तो 10वीं तक आपने मूल किताब पढ़ी, अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि मूल किताब छोड़ करके आप दूसरे के बनाए हुए नोट्स पर भरोसा कर रहे हैं? संभव ही नहीं है, क्योंकि इनको फिर पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं और किस कंसेप्ट से आ रहे हैं, नहीं पता चलेगा क्योंकि मूल किताब पढ़ा ही नहीं। और नोट्स में कैसे, किसी के बनाए हुए नोट्स में वो हो ही नहीं सकता। अब इसका हम नोट्स बना दें और एक मूल किताब है, दोनों हो ही नहीं सकता। ये प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, ये मूल कहानी है। अब मूल कहानी पर हम नोट्स बना दें तो नोट्स की भाषा अलग होगी, वो नोट्स तभी काम आएगा जब आपने मूल किताब, जिससे जिसने ये पढ़ लिया है उसको कुछ फायदा होगा इससे, ठीक है। अगर वो मूल किताब नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब है कि फिर पीटी में ही बच्चे क्या हो जा रहे हैं, फेल कर जा रहे हैं, क्योंकि पढ़े ही नहीं मूल किताब। यूपीएससी क्वेश्चन इन्हीं किताबों से बनाती है, इससे नहीं बनाती है। यूपीएससी को क्वेश्चन बनाना हो पीटी का तो किससे बनाएगी बताइए? यूपीएससी के लोग कौन सी किताब पढ़ें, उनके पास विकल्प क्या है बताइए? हमको क्वेश्चन बनाना हो तो हम कहाँ जाएंगे, किसी कोचिंग के नोट्स पर कि मूल किताब? तो जहां से सोर्स है, जहां से मिलना है क्वेश्चन, वो वहां पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा तो दिक्कत आती है। और दूसरी बात है, एक तो पढ़ा नहीं, दूसरा क्या है कि हम राइटिंग प्रैक्टिस भी कम करते हैं, ये कम करते हैं। और तीसरी बात ये सोचिए कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा वही तो फेल किए हुए हैं, नहीं कौन टीचर है जो पास किए हुए? कबीर कह रहे थे कि जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंत, अंधे अंधा ठेलिया दोनों को पड़न। गुरु भी अंधा, चेला भी अंधा, दोनों एक दूसरे को ठेल रहा है। तो एक फेल गुरु जी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पास गुरु जी पढ़ा रहे हैं, तो फेल क्यों किए होंगे? हो सकता है कि पढ़ाते पढ़ाते नॉलेज हो जाए, ज्ञान तो हो गया है, लेकिन इनका भी राइटिंग कमजोर है। क्योंकि राइटिंग मजबूत होता तो पास कर गए होते। नॉलेज हो जाना और राइटिंग स्किल हो जाना, दोनों दो बातें। तो गुरु जी का भी राइटिंग क्या है, कमजोर। कैसे कमजोर है, गुरु जी को कहिए लिखवाने के लिए, गुरु जी लोग भाग जाएंगे, उनको कहिए कोई आंसर लिखवाए। 10 अंक का सवाल है, 150 शब्द में कहिए गुरु जी को कि आंसर लिखवा दें, पता चल जाएगा गुरु जी का राइटिंग स्किल कैसा है। नहीं तो सभी समस्याएं सब क्लियर पिक्चर में, सैनिक बच्चे। अब बच्चे क्या करें, बच्चे गुरु जी की कमी नहीं खोजें, लेकिन आपको एक सतर्क रहना पड़ेगा। कबीर देखिए निरक्षर थे, कबीर क्या थे, लेकिन कैसे वो जानते थे कि भाई दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए? कैसे कहते थे कि हिंदू कहते हैं राम हमारा मुसलमान रहमाना, भाई वो तो निरक्षर थे, उनका तो कोई गुरु भी नहीं था। इसका मतलब है कि एक बुनियादी विवेक होता है, बेसिक विवेक, जिसको कहते हैं बेसिक रीजनिंग। बच्चे बेसिक रीजनिंग का भी व्यवहार नहीं करते। अगर बेसिक रीजनिंग का भी व्यवहार नहीं करेंगे तो कितना साल लग जाएगा, 10 साल। बेसिक रीजनिंग ये कहती है कि भाई नोट से काम नहीं चलेगी, बेसिक रीजनिंग। कोई कैसे कह सकता है कि आपके बनाए हुए नोट से मेरा काम चल जाएगा? ये तो बुनियादी विवेक है, अगर इस पर भी बच्चे नहीं भरोसा करते। बुनियादी विवेक यही कहता है कि हम अपना नोट स्वयं बनाएंगे, यही कहता है ना। मूल किताब पढ़ेंगे, उस नोट्स का सहारा लेंगे, ना कि वो मूल चीज बन जाएगी, बन जाएगी, क्लियर है। और दूसरा ये है कि विगत 20 सालों के सवाल को देख जाइए, 98% रिपीट होते हैं। ना विश्वास हो तो आप इंडियन पॉलिटी का सवाल ले लेकर के देखिए, हिस्ट्री का सवाल लेकर के देखिए, जीएस का सवाल लेकर के देखिए। एक जगह नोट कर लीजिए, गांधी से अब तक क्या पूछा गया, वो कॉपी बनाइए कि गांधी पर अब तक 20 सालों में क्या सवाल, और देखिए कि कितना रिपीट हुआ। क्या गांधी में बदल जाएगा, बदल जाएगा, आईआर को छोड़ के क्या बदल जाएगा और कितना बदल जाएगा बताइए? करंट ही तो बदलेगा, बाकी फ्रीडम स्ट्रगल में क्या बदल जाएगा जो हो चुका? तो इसका मतलब है कि जब इतने प्रश्न रिपीट हो रहे हों और तब एक नए प्रश्न, मतलब कि कोई गांधी पर सवाल आता हो, अगर नहीं लिख पाता हो व्यक्ति, तो
चलिए अब हम लोग मूल विषय पर लौटते हैं, है ना। तो घर जाके क्या कीजिएगा, हाँ ना, मूल किताब पढ़िए। और जितना अब तक पूछ लिया गया है अगर उसी पेरिफेरी में पढ़ लेंगे तो 1-2 साल में चीजें निकल जाएंगे। अगर उससे डिविएट करेंगे, यानी आपका ध्यान किस पर जाए, 98% चीजों पर, 2% कितना भी पढ़ लें इस पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। पूरा तो कुछ होता ही नहीं, जीवन भी पूरा नहीं होता, चंद्रमा भी पूरा नहीं, प्रकृति भी पूरी नहीं है। आप 2% के चक्कर में क्यों पड़े, आप किसके चक्कर में रहिए। ये तो कभी भी अनएक्सपेक्टेड आता है, कितना भी पढ़ ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-2% एक आध सवाल 10 अंक का, तो जो 98% पढ़ा है वो 2% भी सोल्व कर लेगा, थोड़ा कमतर करेगा। तो मूल बात है कि